So good morning students, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in social work. दोस्तों MSW से related interview session हम आपको आज देने जा रहे हैं. हमने अपने channels पर PD classes और interview guide, ये दो channels पर हमने आपको 2000 से भी ज्यादा videos दे रखे हैं interview पर, body language पर, personality development पर और group discussions पर. तो होप आज का सेशन बहुत अच्छा जाएगा. ये एक मॉक सेशन है. तो अंचल वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू सर. और हमारे साथ कशिश है. कशिश विल ऑल्सो बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू. तो शैल वी स्टार्ट? यस सर. ओके, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा व्हाट इज सोशल वर्क. सर सी, सोशल वर्क इज अ वर्क दैट इज डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनहेंसिंग द लाइफ स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल ओके हु आर इन सोशल नीड्स. Okay, don't you think that social work is not a bed of roses? Yes, sir, I agree with your statement that it is really a not a bed of roses. Okay. But I think this statement is more applicable to those who are lazy and lethargic. But I okay. believe I am not one of them. Tell me the complete work profile of a social worker. Kya pura work profile kya hai? सर सी, द वर्क प्रोफाइल ऑफ अ सोशल वर्कर, उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए सो दैट वो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के उन्हें एनहेंस कर सकें. और इसके अलावा हम कह सकते हैं जो पेशेंट्स हैं उनके अंडर में, या हम कहें कि जो एरियाज हैं उनके अंडर में, उनकी एक स्मूथ और एक अच्छी जो पेस है वो बनी रहे सो दैट जो आगे आने वाली जनरेशन है उन्हें प्रॉब्लम ना आए. ओके, so next I'm giving chance to Kashish. Kashish, have your question please. Ma'am, tell me what are the scope of social worker? Scope of a social worker, see, इंडिया में, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसे ज़रूरत है आज के समय में इन सोशल वर्कर्स की, क्योंकि आज भी हमें, हमारी जो इंडिया है वो कई ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल कर रही है जो कि सोशली हैं. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर, क्राइम अगेंस्ट वेमेन, एंड अगर हम बोलें तो जो मेडिकल जो फील्ड है वहाँ पर भी कई प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जाम्पल एड्स एंड मैनी मोर डिजीज. इनके अगर हम अप्रोच बोलें तो ओनली इंडियन गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखना कि वो अकेले काम करें और बाकी कोई ना करे तो वो सही नहीं है. तो एक सोशल वर्कर का इंडिया में इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा क्योंकि वो एक पर्सन की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं. ओके, आप सोशल वर्कर क्यों बनना चाहते हैं? सर, आई वॉन्ट टू बिकम अ सोशल वर्कर क्योंकि सर एक हम कह सकते हैं कि एक मेरी भी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था जहां पर मुझे लगा कि अगर सोसाइटी में मैं चेंज लाना चाहती हूँ तो उसके लिए कोई और कदम बढ़ाए उससे अच्छा है कि हमें ही करना पड़े. राइट. तो वो जो टर्निंग पॉइंट था उससे मैं इंस्पायर हुई कि हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सोशल वर्क भी उसके अंदर इंक्लूडेड है. ओके, और कुछ ऐसी क्वालिटीज जो सोशल वर्कर में होनी ही चाहिए? सर, द क्वालिटीज दैट आई थिंक अ सोशल वर्कर मस्ट हैव इज आर कंपैशनेट. ही शुड बी कंपैशनेट एंड ही शुड हैव गुड कॉन्वर्सेशनल स्किल्स सो दैट ही कैन अप्रोच एनीवन और एवरीवन विद अ गुड एटीट्यूड एंड पीपल कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम विद थ्रू दीज पर्सनैलिटी ट्रेट्स. ओके, यू नो अबाउट सोशल वर्कर रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी दलाई लामा हैज स्टेटेड समथिंग? यस सर, दलाई लामा हैज स्टेटेड दैट It is not enough to be compassionate, but you must have to act. Okay, so Kashish, please have your questions. Ma'am, tell me, who is your idol in life? The ideal that I think in my life that also inspired me to be a social worker would be Mother Teresa. Okay. Sir, see. मदर टेरेसा ने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए जिनके कारण वो आज भी जाने जाते हैं, उनका आज भी फेम है. आई एम नॉट सेइंग कि मैं फेम के लिए सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ, बट आई एम सेइंग कि एक इंस्पिरेशन, हमें जो रे ऑफ इंस्पिरेशन मिली है वो मदर टेरेसा से ही मिली है और इनके बारे में आज हर कोई जानता है. उनके द्वारा जो खोली गई NGOs थी या इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी थे वो भी आज उन्हें भी प्रेज किया जाता है. आपने बताया मदर टेरेसा, तो क्या सिर्फ एक ही फीमेल लेडी आपकी लाइफ में है एज अ सोशल वर्कर? नो सर, देयर आर मेनी सोशल वर्कर्स. यस सर, आई कैन गिव यू द नेम्स. फॉर एग्जांपल अरुणा रॉय, अरुंधति रॉय, किरण बेदी एंड मेधा पाटकर. व्हाट, प्लीज पार्डन, सॉरी सर. Sir, the names that I think are of some social workers that I can list to you are Aruna Roy, Arundhati Roy, Kiran Bedi and Medha Patkar. Okay, and who is the father of social worker? Sir, the father of social worker is
Jane Addams, who also received a Nobel Peace Prize. Okay. And you know, in social work, so many people believe in show-off also. So what are your views about such things? सर, मैं ये मानती हूँ कि सोशल वर्कर हाँ एक ऐसी जॉब है, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा काम है जिससे कि फेम साथ साथ में आ जाता है इफ यू आर कंपैशनेट इनफ. बट अगर हम सिर्फ फेम को देखकर चले तो वो सोशल वर्क नहीं होगा. Okay. उसे हम कह सकते हैं कि आप सिर्फ अपने लिए फेम कमा रहे हैं, पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं या फॉलोअर्स गेन करना चाहते हैं. बट आई एम नॉट लाइक दैट. मुझे लगता है अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं तो आपको वो अपने जो अंदर से हम कहते हैं कि एक फीलिंग आती है, या हम कह सकते हैं कि आप उसे मन से करें तो वो सोशल वर्क में माना जाएगा. तो आई डोंट थिंक दैट शो ऑफ और पॉम्प एंड शो इज नेसेसरी इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क. ओके. डू यू गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली आल्सो? सर, राइट नाउ आई गेट सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली, बट इट वॉज नॉट ईजी. जब मैंने उन्हें पहले स्टार्टिंग में बताया दैट आई वॉन्ट टू बी अ सोशल वर्कर, दे वर नॉट सपोर्टिव इनफ. क्योंकि आपको बनाना चाहते थे डॉक्टर. ओके. सो डॉक्टर भी एक सोशल वर्कर ही हुए? सर, डॉक्टर भी एक सोशल वर्कर है, आई एग्री विद यू. बट सर, एक फील्ड जो डॉक्टर की थी वो सोशल वर्कर की फील्ड से इस तरह से अलग होती है कि वो ओनली मेडिकल जो फील्ड है. जी हाँ सर. और सोशल वर्कर के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं. ओके. चलिए कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताइए हमें. यस सर, आई कैन स्टेट सम नेम्स लाइक यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, CRY. ओके, ग्रेट. चलिए कुछ फ्यूचर स्कोप. आपने जिस तरीके से बताया कि चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, लिटरेसी की प्रॉब्लम है इंडिया में, तो डेफिनेटली एड्स तरह की बीमारियां है, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है, तो इस पर आपका रोल बहुत अच्छा हो सकता है. ओके. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है लाइफ में, कभी कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ हो और आपने सोशल वर्क करना चाहा हो मगर कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? यस सर, आई कैन स्टेट यू एन एक्सपीरियंस फ्रॉम माय लाइफ दैट इज. सर, जब मैं एक किंडरगार्टन में टीचर थी, right. तो उस समय एक स्टूडेंट थी जो बहुत ज़्यादा शांत रहा करती थी, ज़्यादा वो एक्टिव नहीं होती थी क्लास में. सो आई आस्क्ड हर अबाउट इट, बट उन्होंने कुछ खास सही से जवाब नहीं दिए. एंड सर, वो होंगे एटलीस्ट 7 or 8 ईयर्स के. जी हाँ सर, तो उन्होंने कुछ खास सही से जवाब नहीं दिए. तो सर, जब थोड़ा सा और उन पर मैंने आराम से उनसे बात करने की कोशिश की, थोड़ी सी अपनी अप्रोच चेंज की उनसे बात करने की, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया कि उनकी जो मदर हैं, जिन्हें के बारे में मुझे बाद में पता चला कि आप उनकी स्टेप मदर थी, तो वो उनसे बहुत काम करवाती थी. मीन्स एक 7-8 ईयर्स की बच्ची से उनकी स्टेप मदर घर के काम करवाया करती थी, और इस कारण वो बच्ची बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती थी और सही से वो पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी. सो सर, मैंने एक्शन लिया जैसा मुझे लगा कि सही है, और उनकी स्टेप मदर मुझसे झगड़ने आ गई, क्योंकि सर मेरा एक्शन था कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट की उस बात की. तो जब वो उनकी स्टेप मदर फिर मुझसे झगड़ने के लिए आई, तो सर उस समय भी मैं डरी नहीं, आई एम अ बोल्ड गर्ल. मैंने उनसे आराम से बात की, उनसे इनफैक्ट मैंने जो स्टूडेंट थी उनके फादर और ग्रैंडफादर तक ये बात पहुंचाई, जो कि फॉर्चुनेटली काफ़ी गुड बिहेवियर रखते थे, और उन्होंने इस बात को समझा कि वो छोटी सी बच्ची से ऐसे काम करवाया जा रहा है, तो वो सब सही नहीं है. तो तब वो जो कन्फ्लिक्ट था, वो मेरी लाइफ में पहला कन्फ्लिक्ट मैं कह सकती हूँ जो सोशल वर्क करते हुए आया. ओके. फिर आपने उससे लेसन क्या सीखा? सर, उससे लेसन एक तो ये सीखा मैंने कि दैट वी शुड नॉट फियर कि सामने वाला क्या एक्शन लेगा, बट अगर मैं कहूँ तो उसके अलावा ये भी होगा कि अगर काम करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, तो आपको स्टेप बाय स्टेप उस अकॉर्डिंग चलना होगा जो कि सामने वाले को भी ऑफेंड ना करे, और हम कह सकते हैं जो कि लीगली सही हो. ओके. तो कशिश, मुझे लगता है एक बोल्ड स्टेप था इनकी तरफ से. वेरी गुड. अच्छा, मुझे ये बताइए कि कंफ्यूज्ड और अपसेट इंडिविजुअल को आप कैसे हैंडल करेंगे? सर, सी, इफ एन इंडिविजुअल इज कंफ्यूज्ड एंड अपसेट, देन सर उनके जो मेरी अप्रोच रहेगी वो उनसे थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी. थोड़ी सी मैं उनको इस तरह से समझाने की, या मैं कहूँ कि उनसे बात इस तरह से करूँगी कि उन्हें मुझ पर ट्रस्ट बना रहे उनका. वो मेरी बात को समझे कि मैं उनसे क्या जानना चाहती हूँ, और जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको मैं पूरी कर सकूँ. फिर तो एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा जिसका मीनिंग होता है कॉन्फिडेंशियलिटी. यस सर. तो सोशल वर्कर के लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं?
Yes, sir, I can explain the word. See, confidentiality means an information in a case, or we can say in a relationship, that have been shared in a case and in a relationship will not be disclosed to anyone other than any other person. Okay, so do you believe in this? Yes sir, I believe in this. सर ये हर एक जो जॉब रिलेट जॉब करते हैं पर्सन हर एक के लाइफ में ये होता है. इनफैक्ट डॉक्टर्स लॉयर्स एवरीवन टेक देयर क्लाइंट्स सीरियसली. तो वो अगर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं तो ये हर एक के लिए ही अच्छी बात है. आपने जिस तरह बताया हेल्थ केयर सोशल वर्कर, स्कूल सोशल वर्कर, क्लिनिकल सोशल वर्कर और आप बहुत से सोशल वर्कर्स अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, आप ज़्यादातर किसको फोकस देते हैं? सर माई फोकस इज ऑन द स्कूल सोशल वर्क. ओके, अच्छा एक बात बताइए कि एक वर्ड होता है सोशल वर्क के अंदर नीड असेसमेंट्स. यस सर, ये क्या मीनिंग क्या होता है इसका, नीड्स असेसमेंट, व्हाट डज इट मीन? सर नीड्स असेसमेंट इज अ वी कैन से एन असेसमेंट और वी कैन से अ टाइप ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस और वी और द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू अ पर्सन और अ पॉपुलेशन इन अ प्लेस एंड थ्रू दैट इंफॉर्मेशन वी कैन गेट द प्रायोरिटी फॉर द एक्शन दैट कैन बी टेकन. Okay, you mean to say first like survey would be done. Yes. And accordingly we act. Yes sir. Okay, like you want to be a social worker, it is good. You know that there are so many people, those who are coming in this stream. So what is the reason, like don't you feel upset sometimes, like the work which you are going is little bit boring, you just have to care the people, no charm, no special creativity like this, like in other streams there are so much of creativity, and since the world is going to be digitalized, so lot many new things are acting upon, but here in your stream you have to meet in a monotonous grind, you have to work, don't you think so? Sir, life of a social worker, I can't say that it is not of colors, because okay. Sir, when we see the happy faces of small children, or we can say the satisfaction upon an individual's face after his problem has been solved, that makes up our day. So I don't think that social worker, being a social worker, I am in any monotonous grind. Oh, you believe it is a colorful life and yes, you will sir. Get lot many blessings also. Yes, sir. What are your hobbies? Sir, my hobbies mainly consist of reading and writing. Okay, reading and writing. What type of things do you read? Sir, I read mostly novels, but I also prefer fictions and non-fictions. Okay, so you like to read such books? Yes, sir. Okay, aapki strengths bataiye hame. Sir, my strengths are, I am a realistic and logical person. Okay. I don't live in a daydream kind of world. Okay, aur koi weakness aapke andar major? Sir, the weakness that I think I have to act upon, or we can say that I need to improve, is I am a little bit of critique, as I sometimes point out anyone's mistake boldly, even if that person doesn't take it lightly. But suppose the person is suffering from anxiety, yes, और आप उसको अपनी weakness से कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उसको और depression में ले आएगा, तो आपको नहीं लगता ये गलत है? Sir, first of all, if the person is suffering from anxiety, then I will make sure that I don't criticize him in any point. But okay. Even if a situation like this occurs, or we, then I'll make sure that You will definitely work upon it. Yeah. No way. Now my next question to you is, there are early marriages going on in our country. Still government is taking action, but there is, I can say, totally people are negligible and not pointing these things and just going on with early marriages. So do you believe the early marriage should be there? No sir, early marriages are not any kind as of as a social worker option. Are you doing something for it? Yes sir, I am doing. We have started some institutions, or we can say a group of my people, that make sure that the awareness among people regarding these early marriages or child marriages are there. It is an era of women empowerment. So do you think that women should come up and do something for the nation? Yes sir, women should do and are also currently doing many things for the nation. What you are doing for the empowerment of women? Sir, I am mostly focusing on the children's behavior, but I think that the youth that consists of the girl are a little bit of
partial regarding the female child and the male child and the things that I think that is the reason ki female or male ratio mein difference create ho raha hai. Yes sir. But hamari city ke liye ek achhi news hai. Last I think day four yesterday I read ki male female ratio ka jo difference tha wo kafi kam hua hai. Yes, अब की बार की जो भी काउंटिंग हुई है या फिर मेल फीमेल रेशियो का जो सर्वे लिया गया उसके अंदर ये रिपोर्ट आई है हार्डली टू डेज बैक आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर तो इट इज अ गुड साइन. यस सर इट इज अ गुड साइन. एज अ सोशल वर्कर आपको क्या लगता है कि ये जॉब आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी या एक टेम्पररी बेसिस पे आप रहेंगे? सर इवन इफ आई गेट सम अदर जॉब विद द सोशल वर्क इट डज नॉट डिपेंड कि मैं अपना सोशल वर्क छोड़ दूंगी. okay. अगर जॉब हम करते हैं तो उसके साथ साथ में भी सोशल वर्क करना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं होती right. है. सो आई थिंक इट विल बी लाइफ लॉन्ग फॉर मी. ओके सो आई रियली प्राउड ऑफ यू. और एक पॉइंट मैं आपके साथ लेना चाहूंगा लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज सो मेनी ओल्ड एज होम इज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे बाई डे ओल्ड एज होम हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं. तो क्या लगता है आपको क्या ये जो वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट हो रहा है कि जिस तरीके से लोग अपनी वृद्धावस्था पे पहुंचते हैं तो उनको ओल्ड एज होम जाना ही है तो आपकी क्या राय है कि ऐसे ओल्ड एज होम बढ़ने चाहिए या इनका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए? सर जो ओल्ड एज होम ऑलरेडी ओपन है हम उन्हें तो क्लोज करने से रहे. okay. तो हमारे पास में ये है कि जो हमारी यूथ है और जो आगे आने जो हमारी जनरेशन है जो आज की जनरेशन है जो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज दिया करते हैं उनके अंदर अवेयरनेस जगाई जाए कि आप अगर ओल्ड एज होम अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो वो आपको भी तो भेजेंगे. तो मतलब इस टाइप की जो थिंकिंग है ना वो लोगों के अंदर इनबिल्ट होनी चाहिए हमेशा से. अगर नहीं होगी तो ओल्ड एज होम की जो हम कह सकते हैं नंबर है वो हमेशा बढ़ते ही रहेंगे. बट वेस्टर्न कल्चर पर अगर हम कहें तो वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग ओल्ड एज होम अभी भी बढ़ रहे हैं. तो सर अगर तो जिन बूढ़े लोगों के पास उनके जो बच्चे हैं वो नहीं रहते हैं या हम कहें कि हमारे बीच में लॉयर है तो डेफिनेटली ये भी एक्शन ले सकते हैं इस पर कि आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होना चाहिए या ये इसके अगेंस्ट भी एक लॉ होना चाहिए कि जो बच्चे अच्छी अर्निंग करते हैं वो अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ते हैं तो क्या ये जेन्युइन है? नो सर अगर कोई पर्सन अच्छी अर्निंग कर रही है sir, तो क्या लगता है आपको सर कि कुछ पर्टिकुलर पोर्शन हमारी गवर्नमेंट को दिलवाना चाहिए पेरेंट्स के लिए कि इतना पोर्शन चाहे 2% हो चाहे 10% हो कि एक पर्टिकुलर पोर्शन पेरेंट्स के लिए होना चाहिए ताकि वो अपनी लाइवलीहुड इजीली जी सके. आई थिंक सर देर इज अ लॉ अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ क्राइम्स की इंडिया में जो यूथ है वो अपने पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकते हैं. फिर मुझे लगता है कि कुछ पेरेंट्स शायद अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए अपने बच्चों की रेपुटेशन ना डाउन हो इस शर्म की वजह से शायद केस दायर नहीं करते हैं. आप भी अपनी जगह पर सही हो. तो मेरा मानना है कि सोशल वर्क इंटरव्यू मेरे कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा लगे. रियली प्राउड ऑफ यू. कीप इट अप. बहुत बढ़िया.